पूर्णिमा एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। आनंद के समझाने पर भी ना रॉय नहीं समझ रहा था और वो बस एक ही बात पर अड़ा हुआ था कि वो आनंद को मुंबई नहीं जाने देगा और अगर उसे इतना ही अर्जेंट कोई काम है ना तो वो भी उसके साथ जाएगा। ये सुन आनंद ना मजाक में कहता है, तो यहाँ का बिजनेस कौन संभालेगा आपका माफिया साहब? ये सुन रॉय बोलता है, अपने दोस्त के लिए मैं अपना बिजनेस क्या कुछ भी छोड़ सकता हूँ। तब आनंद कहता है, किसी से इतना भी अटैच नहीं होना चाहिए कि बाद में हमें ही परेशानी हो। ये बोलते हुए आनंद मुस्कुराता तो रहा था लेकिन वो काफी दुखी था। वो आगे बोलता है, मैं तो आज हूँ, क्या पता कल रहूंगा या। लेकिन वो ये बोलता इससे पहले ही रॉय बीच में बोलता है, कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुझे, इतना जल्दी पीछा नहीं छूटने वाला तुम्हारा मुझसे। इस पर आनंद बोलता है, आप किसी को हमेशा ना अपने पास नहीं रख सकते। यहाँ कहानी अपने फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम ये देखते हैं कि काफी वक्त पहले जब रॉय और आनंद यंगस्टर्स थे तब आनंद के पापा एक गैंगस्टर थे जो चाहते थे कि आनंद भी उन्हीं की तरह एक माफिया बने। लेकिन वो एक मस्त मगन अपने में रहने वाला इंसान था और उसे अपने पापा के ना माफिया बिजनेस में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ रॉय, जिसका असली नाम है सिद्धार्थ, वो आनंद के पापा के राइट हैंड मैन का बेटा था और उसके साथ ही आनंद का जिगरी दोस्त भी था जो उसको हमेशा यही बात समझाता था कि उसके पापा जो हैं वो गलत काम जरूर करते हैं लेकिन वो गलत नहीं है। इस और आनंद हमेशा यही कहता था कि उसकी जगह ना उसे माफिया बनना चाहिए और ये सुनकर ना रॉय हमेशा उसका मजाक उड़ाता था। लेकिन कहते हैं ना, हालात हमसे कुछ भी करवा सकते हैं। तो एक दिन आनंद के पापा और अंडरवर्ल्ड के दूसरे किसी बड़े डॉन के बीच ना दुश्मनी की वजह से उन्होंने आनंद और रॉय के सामने ही उन दोनों के पापा को मार डाला, जिसका बदला लेने के लिए इन दोनों दोस्तों ने उस डॉन यानी गोल्डेक्स का नामो निशान मिटा दिया और पूरे अंडरवर्ल्ड को ये बता दिया कि वो भी अपने पापा की तरह ही ताकतवर हैं और रॉय का उसके साथ होना एक गैसोलीन जैसा था। और ये दोनों तब से सब पर राज करने लगे। लेकिन वक्त के साथ दुश्मन भी बढ़े और गद्दार भी, और उनमें से ही ना एक ने सांप का काम किया और रॉय को आनंद के खिलाफ भड़काता रहा कि वो कितना केपेबल है और आनंद उसका इस्तेमाल कर रहा है। इन दोनों दोस्तों में ना दूरियां पैदा कर दी। मुश्किल था लेकिन कभी कभी ना कुछ कहे गए अल्फाज दिल को चीर जाते हैं और रॉय के दिल को भी तब चोट लगी जब वो जिससे प्यार करता था ना वो आनंद से प्यार करने लगी सिर्फ पैसों की वजह से। फ्लैशबैक से जब प्रेजेंट में सीन आता है तब रॉय आनंद से कहता है, जो गलती मैंने की थी ना उसकी सजा तुम्हें नहीं मिलेगी। तो ऐसा क्या किया था रॉय ने और उसने आनंद की जगह कैसे ली, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।